नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड. प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा at an angle with the horizontal means जो projectile है वो horizontal के साथ angle बना रहा है, तो हमने उसके motion को discuss करना है. ये वो case है जैसे football को ground से hit किया और वो theta angle बना के ऐसे यहाँ पे रख, football थी उसे kick किया, उसने horizontal के साथ theta angle बनाया और ऐसा motion describe किया. लेट उसकी ट्रेजेक्ट्री है अलॉन्ग ओ ए बी और इनिशियल वेलोसिटी जो फुटबॉल को दी वो यू है जो अलॉन्ग टेंजेंट लग रही है. यू थीटा एंगल बना रहा है तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है उसे हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं. तो यू का जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वी एक्स यू कॉस थीटा के इक्वल होगा और वी वाई यहाँ पे वर्टिकली ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा क्योंकि थीटा वाली साइड यू कॉस थीटा और यहाँ पे आएगा यू साइन थीटा. इससे बोलते हैं वेक्टर की रेजोल्यूशन. ठीक है, तो ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये एक्स है यहाँ तक. सपोज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लिया तो इतना डिस्टेंस एक्स और यहाँ तक का वाई हो गया. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. फाइन, अब हमने क्या करना है, ये पहले तो कंसिडरेशंस ऐड कर दीजिएगा एग्ज़ाम में और पेपर में कंसिडरेशन ज़रूर लिखनी है टेस्ट में भी कि कंसिडर अब एनी प्रोजेक्टाइल और एनी बॉल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. लेट डिवाइड या रिजॉल्व यू इनटू टू कंपोनेंट, वन इज़ यू कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू वी एक्स विच इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी वाई इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा. ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ज़ीरो हो जाता है. अब हमने क्या किया, लेट करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाई जो होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस को लिखा एक्स, यू टी का यू की जगह इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो वी एक्स है ये किसके इक्वल है, ये यू कॉस थीटा के इक्वल है इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये जो मैं बता रही हूँ रिपीट कर रही हूँ, ये जो वी एक्स है मीन्स वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो यू कॉस थीटा के इक्वल था, वो पुट कर दिया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो होगी क्योंकि प्रोजेक्टाइल का मोशन हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट नहीं हो रहा और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट रहती है. तो ये रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट एंड प्रोजेक्टाइल इज नॉट एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, सो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो. इस इक्वेशन में ये पुट कर रहे हैं x बिकम u cos थीटा इंटू टी, यहाँ से t की वैल्यू निकाली x बाय u cos थीटा, t इज x बाय u cos थीटा, इसे नंबर दे दिया इक्वेशन वन. अब ये जो डिस्टेंस कवर्ड है प्रोजेक्टाइल का हम वर्टिकल मोशन में डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो वो डिस्टेंस कैसा होगा, x की जगह मैं लिख दूंगी अब y, y इज इक्वल टू वी ज़ीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ठीक है, y एज इट इज, वी ज़ीरो y की जगह लिखेंगे अब v साइन थीटा इंटू टी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब होगी माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. मैंने क्या किया है, वी ज़ीरो वाई को पुट किया है वी साइन थीटा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो वी साइन थीटा के इक्वल है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी लिखी है. बॉडी अगर ग्रेविटी की अगेंस्ट जा रही है तो माइनस जी, अगर फेवर में आ रही है तो प्लस जी. तो हम ऊपर ओ से पी तक का मोशन डिस्कस कर रहे हैं, जो बॉडी है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रही है इसलिए माइनस जी लिखा है. ठीक है, तो पुट करनी है वन की वैल्यू टू में, वैल्यू पुट करते हैं वाई एज इट इज़ वी साइन थीटा
सॉरी यू साइन थीटा, दिस इज यू एंड यू, यू साइन थीटा, टी की वैल्यू है एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू एक्स बाय यू कॉस थीटा स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर था, फाइन। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यू से यू कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में x की एक पावर 2 है और सेकंड वेरिएबल y की पावर 1 है। ये जो कोऑर्डिनेट थे x और y, एक कोऑर्डिनेट सेकंड पावर में है और एक कोऑर्डिनेट फर्स्ट पावर में है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसे बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सेकंड ऑर्डर पैराबोला, हैंस पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज पैराबोलिक। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पैराबोला, सो पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पैराबोलिक, पैराबोला ऐसी शेप होती है, ये दो एक्सिस में ली है, एक एक्सिस में ऐसे ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये सारी इक्वेशन पैराबोलिक की हैं। सॉरी आपको दिखा नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, एक एक्सिस में ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, सो दीज इक्वेशंस आर पैराबोलिक, ठीक है। तो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब हमें निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की प्रोजेक्टाइल ने ड्यूरिंग इट्स जर्नी, मींस मैक्सिमम हाइट निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है जब भी पैराबोलिक ने अपना पाथ कवर किया। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट देखिए हॉरिजॉन्टली होगी कि वर्टिकल, हाइट हमेशा वर्टिकल होती है। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक मैक्सिमम हाइट थी, लेट किया वो h है। तो अब हम पुट कर रहे हैं इसे, मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन ऐड करनी है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, जो मैक्सिमम हाइट है वो हमेशा निकलती है वर्टिकल। तो द वर्टिकल हाइएस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एच से। इसे निकालने के लिए हमने काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन यूज़ की, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एक्स वाली, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल मोशन है। एक्स को लिखूंगी मैं वाई से, और ये जो वी इनिशियल है वो वाई, फाइनल वी वाई, और इनिशियल वी जो है उसे वी जीरो वाई लिख रही हूँ। वी जीरो वाई आपको पता है यू साइन थीटा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा अलोंग वर्टिकल एक्सिस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी, बिकॉज ये इतने मोशन में बॉडी अप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, और जो y है वो h ले रहे हैं, मैक्सिमम हाइट वर्टिकली h है। तो सब कुछ इसमें पुट करते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो है। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी एक बार उसका मोशन रुक जाएगा, फिर वो ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर नीचे आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये सब कुछ पुट कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर है, माइनस टू जी एच, ठीक है। मुझे निकालना है h हॉरिजॉन्टल डिस्ट हाइट, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू जी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू जी। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट है वो डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे, एक फर्स्ट फैक्टर जिस पे हाइट डिपेंड कर रही है ऑन इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, थीटा आया मींस उस पे भी डिपेंड करता है बॉडी ने कितनी हाइट अटेन करनी है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल हाइट निकालने के बाद अब हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने आपको पिछले आर्टिकल में भी बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वर्टिकल निकलता है, तो मींस वर्टिकल मोशन ऐसे जब बॉडी यहाँ से यहाँ पर आई तो उसे इतना कितना टाइम लगा, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल निकलता है। क्या मतलब क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टिल इट हिट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब वो हिट करेगी तो उसे कितना टाइम लगेगा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू वी ज़ीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, इक्वेशन लगा दी वर्टिकल डिस्टेंस की। अब क्या होगा,
वाई की वैल्यू ज़ीरो, वाई है नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इस वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे आ गया, जैसे ही उसने ग्राउंड को हिट करना है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ज़ीरो। स्मॉल टी को लिख रहे हैं कैपिटल टी, क्योंकि टाइम को हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कैपिटल टी से। ये सब कुछ पुट कर रहे हैं, वी ज़ीरो वाई है वी साइन थीटा, सो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वी ज़ीरो वाई इज यू साइन थीटा प्लस टी, ए वाई जो है वो माइनस जी है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, यू साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, एक टी यहाँ पे बचा, उस टी का आंसर आएगा टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी, टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ टाइम कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। तो ये टाइम किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्टाइल के मास पर डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वर्टिकल मोशन के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं होता। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, अगला जो पॉइंट हम निकाल रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज नेम से इंडिकेट है कि इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लेनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है कि प्रोजेक्टाइल ने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड किया जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था और जहाँ पे वो एंड हुआ था, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो x इज इक्वल टू वी ज़ीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन मैंने लगा दी हॉरिजॉन्टल वाली। अब इसमें सिंबल्स फिर से पुट करते हैं, वी ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, जो टी है टाइम ऑफ फ्लाइट है, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, और ये हमने पहले निकाला है वो था टू यू साइन थीटा बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सब कुछ इसमें पुट कर रहे हैं। ये जो एक्स है उसे आर पुट करना है रेंज के लिए, आर इज़ फॉर रेंज, फाइन। सब कुछ पुट करते हैं, एक्स की जगह आर, वी ज़ीरो एक्स की जगह यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह टू यू साइन थीटा बाय जी, 2u sin theta by g। ये जो acceleration due to gravity है ax, horizontal motion के लिए 0 होती है क्योंकि body की velocity along horizontal direction same रहती है, इसलिए acceleration is 0 because velocity is constant। So यहाँ से r is equal to 2u square sin theta cos theta by g। एक formula सुना होगा 2 sin theta cos theta is साइन टू थीटा बाय जी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। मैंने फॉर्मूला यूज़ किया साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर अब मुझे मैक्सिमम रेंज निकालनी हो, मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होगी, इसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो साइन टू थीटा कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, और साइन टू थीटा वन मतलब थीटा होना चाहिए, साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होएगी तभी ये रेंज मैक्सिमम आएगी। तो थीटा कितना होएगा फिर 45 होएगा, तभी 90 बनेगा और वैल्यू 1 आएगी। सो थीटा जब 45 होता है तो बॉडी सबसे ज़्यादा रेंज एक्वायर करती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो थीटा इज इक्वल टू 45 इज कॉल्ड एंगल ऑफ मैक्सिमम रेंज, फाइन। तो इसके बाद इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं और मोशन जो है वो वर्टिकल भी हम डिराइव कर सकते हैं, उसका आंसर भी सेम आएगा। तो ये अब आपका होमवर्क है कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल जो है उस आर्टिकल को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। थैंक यू।